50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड का रिस्क है, 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है, और करीब करीब 25-27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव-गांव, तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ पानी परमानेंट लगा रहता है। और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुँच रहा। तो जन सुराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा, उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे, उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहाँ बाढ़ है, जहाँ जल जमाव है और सूखा, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए, उसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है, वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं, भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता ताकि कटे, और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का अभिशाप बना हुआ है, इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला। बिहार के लिए भी कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है। तो जन सुराज का बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है। जल प्रबंधन, जल का समुचित उपयोग कैसे हो, बाढ़, जल जमाव और सूखे से परमानेंट छुटकारा कैसे हो, इसका विजन डॉक्यूमेंट आपको गांधी मैदान से जारी करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप उसको पढ़िए जरूर।